पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पंजाब में बीजेपी सिर्फ 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें अभी 17 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। गोवा में भी बीजेपी ने 29 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि पंजाब में फिलहाल गठबंधन सरकार में बीजेपी के मौजूदा मंत्रियों को पहली लिस्ट से बाहर रखा गया है। मौजूदा वक्त में पंजाब में बीजेपी के 12 विधायक हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार बीजेपी ने नए चेहरों पर दांव लगाया है। पंजाब के लिए घोषित 17 नामों में से 5 वर्तमान विधायक हैं। वहीं बीजेपी ने अमृतसर लोकसभा उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बीजेपी ने राजेंद्र मोहन चीना को इस सीट से लड़ाने का फैसला किया है। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में इस सीट से वित्त मंत्री अरुण जेटली को कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस की तरफ से सीएम के उम्मीदवार हैं। वहीं गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में बीजेपी अधिकतर सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कुछ सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ी जा सकती है। बीजेपी ने 40 सीटों में से आज 29 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि इन दोनों राज्यों में 4 फरवरी को एक ही चरण में चुनाव होने हैं और 11 मार्च को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। तो आज पंजाब और गोवा विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और खबर है कि उत्तर प्रदेश में भी जल्द ही बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देगी। वहीं आज लांबी सीट से प्रकाश सिंह बादल ने नामांकन भरा है। तो विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए टीपी लाइव।